सबसे बड़ी खबर है, सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। 6 महिलाएं और 2 पुरुष गिरफ्तार हुए हैं दौर में। पश्चिम बंगाल की महिलाएं भी पकड़ी गई हैं। लंबे समय से ये सेक्स रैकेट चल रहा था। बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री भी मिली है। मोबाइल फोन खंगालने में पुलिस अब जुटी हुई है कि आखिर ये सेक्स रैकेट कहां और किन किन से जुड़े हैं, कौन कौन इनके ग्राहक रहे और कहां कहां से लड़कियां या महिलाएं यहां पर बुलाई जाती थी। तो ये बड़ी खबर है सेक्स रैकेट से जुड़ी हुई। इंदौर से सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। शुरुआती कार्रवाई में 6 महिलाएं और 2 पुरुष गिरफ्तार किए गए हैं। पश्चिम बंगाल की महिलाएं बताई जा रही हैं जो पकड़ी गई हैं। ये दावा किया जा रहा है कि लंबे समय से ये सेक्स रैकेट इंदौर में चल रहा था। एक फ्लैट में रैकेट चलाया जा रहा था। मुखबिर सूचना पर हमारी टीम में जो उप निरीक्षक निशा परमार और उप निरीक्षक मुकेश झारिया और टीम को लेकर हम लोगों ने विधिवत कार्रवाई करते हुए एक पंटर की कार्रवाई की। उसमें एक व्यक्ति को हम लोगों ने 4 नोट देकर भेजा, 500 रुपए के, और उसके द्वारा इशारा किया गया कि यहाँ पर व्यापार ऐसा अनैतिक चल रहा है। उसके आधार पर पुलिस ने मनोरमा मल्टी 94 स्कीम खजराना में दबिश दी। उस दौरान वहाँ पर 6 महिलाएं मिली जो कि एक सरगना थी और 5 महिलाएं देह व्यापार में लिप्त थी और 2 पुरुष ग्राहक भी इसमें। और बात क्रिकेट की। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 5 विकेट से जीत लिया है। भारत के वेस्टइंडीज के दौरे को वर्ल्ड कप से पहले एक प्रयोग के तौर पर भी देखा जा रहा है और हुआ भी वैसा ही। पहले वनडे में टीम इंडिया ने कई प्रयोग भी किए। भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच T20 जैसा रहा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोनों ही टीमों ने 45.5 ओवर खेले। बारबाडोस के केनिंगटन ओवल मैदान पर भारत ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया। पहले बैटिंग करने उतरी वेस्टइंडीज टीम 23 ओवर में 114 रन पर ऑल आउट हो गई। 115 रन का टारगेट टीम इंडिया ने 22.5 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। ये टीम इंडिया की विंडीज पर लगातार 9वीं जीत है। विंडीज को भारत पर आखिरी जीत 2019 में चेन्नई के मैदान पर मिली थी। तब वेस्टइंडीज ने टीम इंडिया को 8 विकेट से हराया था। इस जीत से टीम इंडिया ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। टीम इंडिया की ओर से कप्तान रोहित शर्मा की जगह ओपन करने उतरे ईशान किशन और गेंदबाजी में कमाल करने वाले कुलदीप यादव ने मैच जिताऊ प्रदर्शन किया। ईशान किशन ने करियर का 4था वनडे अर्धशतक जमाते हुए 52 रनों की पारी खेली, जबकि कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए। वहीं कुलदीप को जडेजा का बखूबी साथ भी मिला। जडेजा ने 3 विकेट चटकाए। आइए एक नजर मैच पर। 114 रन पर ऑल आउट हुई वेस्टइंडीज की टीम। 5 विकेट से भारत ने मैच जीता। बैटिंग ऑर्डर में हुए कई प्रयोग। कोहली ने बैटिंग नहीं की, रोहित ने नंबर 7 पर आकर बैटिंग की, कुलदीप ने 4, जडेजा ने लिए 3 विकेट, ईशान किशन ने बनाए 52 रन। वेस्टइंडीज को 114 रन पर ऑल आउट करने के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने बैटिंग ऑर्डर में कई प्रयोग भी किए। पहले तो उन्होंने गिल किशन की युवा जोड़ी को ओपन करने भेजा। उसके बाद कोहली की जगह आए सूर्य कुमार यादव। नंबर 4 पर पंड्या को बैटिंग करने का मौका दिया। इतना ही नहीं, रोहित शर्मा खुद शार्दुल ठाकुर के आउट होने के बाद नंबर 7 पर बैटिंग करने के लिए उतरे। रोहित 12 साल बाद इस पोजीशन पर बैटिंग करने उतरे हैं। इससे पहले वे 2011 में नंबर 7 पर खेलने उतरे थे। सीरीज का दूसरा मुकाबला 29 जुलाई को ब्रिस्टाउन में खेला जाएगा, जिसे जीतकर टीम इंडिया सीरीज सील करना चाहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और पहले वनडे मुकाबले में वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों के सामने घुटने टेक दिए। कैरिबियन बल्लेबाज कुलदीप यादव और जडेजा की फिरकी के आगे बेबस नजर आया। एक नजर भारतीय गेंदबाजों के प्रदर्शन पर। भारत ने पहले वनडे में वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। कैंगसिंगस्टन ओवल में खेले गए मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के सामने कैरिबियाई टीम महज 114 रन बनाकर ऑल आउट हो गई।
जवाब में ईशान किशन के अर्धशतक की मदद से भारत ने आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया। बात करें भारतीय गेंदबाजों की तो कुलदीप यादव और जडेजा की फिरकी के आगे वेस्टइंडीज के बल्लेबाज बेबस नजर आए। कुलदीप यादव ने 3 ओवर में 6 रन देकर 4 विकेट लिए। रविंद्र जडेजा ने 6 ओवर में 6.20 की इकोनॉमी से 37 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। इसके साथ इस भारतीय जोड़ी ने एक खास रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। कुलदीप और जडेजा की बाएं हाथ के स्पिनर्स की पहली ऐसी भारतीय जोड़ी है जिसने किसी वनडे मुकाबले में 7 विकेट लिए हैं। आइए एक नजर भारतीय गेंदबाजों के प्रदर्शन पर। कुलदीप यादव ने 3 ओवर में मात्र 6 रन देकर 4 विकेट लिए। रविंद्र जडेजा ने 6 ओवर में 37 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। पहली लेफ्ट आर्म जोड़ी ने लिए हैं किसी भी वनडे मुकाबले में 7 विकेट। भारत के खिलाफ वनडे में वेस्टइंडीज ने दूसरा लोवेस्ट स्कोर बनाया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम 23 ओवर में 114 रन पर ही सिमट गई। भारत के खिलाफ वनडे में वेस्टइंडीज का ये दूसरा सबसे न्यूनतम टीम स्कोर है। 2018 में तिरुवनंतपुरम में वेस्टइंडीज ने 104 रन बनाए थे। भारत के खिलाफ वनडे में वेस्टइंडीज के अन्य न्यूनतम स्कोरों की बात करें तो 1997 में पोर्ट ऑफ स्पेन में टीम 121 रन, 93 में कोलकाता में 123 रन और 91 में पर्थ में 126 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। न्यूज 18 नेटवर्क। तो प्रॉपर्टी डीलर गिरफ्तार, सस्ते रेट में प्लॉट और मकान देने का देते थे झांसा। आलिशान ऑफिस में ग्राहकों को बुलाकर करते थे गुमराह। 60 लोगों को बना चुके हैं धोखाधड़ी का शिकार। रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर रायपुर में लाखों की ठगी। नौकरी के नाम पर 14 लोगों से 91 लाख रुपए की ठगी। आरोपी आशीष बंजारे उर्फ राहुल गिरफ्तार। दुर्ग में पत्नी की बेरहमी से हत्या, शक में किया पत्नी का मर्डर। आरोपी को पुलिस ने लिया हिरासत में। जामुल लेबर कैंप की घटना। मणिपुर वायरल वीडियो मामले में जांच करेगी सीबीआई। गृह मंत्रालय ने उठाया बड़ा कदम। सीबीआई को सौंपा गया वायरल वीडियो बनाने वाला फोन। सूबे में 35,000 जवान तैनात। श्री राम मंदिर का नया वीडियो जारी, 43 सेकंड का है मंदिर का पूरा वीडियो। श्री राम मंदिर के 5 मंडप के खंभे तैयार हुए। मुंबई के विहार झील में आई बहार, झमाझम बारिश से झील लबालब। मुंबई करों के लिए खुशी। पीएम ने सीकर से दी किसानों को सौगात। किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त जारी। कार्यक्रम में सीएम गहलोत के न आने पर कहा पैर में चोट होने के कारण कार्यक्रम में नहीं आ सके सीएम गहलोत, मुझे खेद है। ज्ञानवापी के एसआई सर्वे पर रोक जारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला किया रिजर्व। 3 अगस्त को आएगा कोर्ट का फैसला। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड और गैंगस्टर लॉरेश बिश्नोई के करीबी। सचिन बिश्नोई की बढ़ी मुश्किलें। सचिन को भारत प्रत्यार्पण करने में जुटी सुरक्षा एजेंसी। मुंबई में सेट पर पहुंचा तेंदुआ। मराठी सीरियल की चल रही थी सेट पर शूटिंग। तेंदुए के पहुंचते ही सेट पर मौजूद लोग भागे। 200 से ज्यादा लोग मौजूद। कटनी में सरकार का विकास पर्व। सीएम शिवराज ने करोड़ों के विकास कार्यों का किया भूमि पूजन। रोड शो उमड़ी भारी। दमोह के पौड़ी तालाब फूटने पर गरमाई राज्य।